थोड़ा सा गेट 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 हाँ सर सर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं आ जाओ आगे हाँ ये डबल भूमिका में आ डबल भूमिका में भाई क्या है बाबा दर्शन की कर नहीं पाया था जब आए तो एक तो दो काज हो जाए थोड़ा दूर हो जाए मुख्यमंत्री उप प्रदेश सम्माननीय दिनेश जी शर्मा साहब हमारे बीच पधार चुके हैं कृपया पधारे और प्रशासन ग्रहण करें माननीय महासचिव विश्व फाउंडेशन श्री शर्मा श्री सुरेंद्र जी मालिक विधायक आप सबसे आग्रह है कि भगवान परशुराम जी और जी प्रकरण का इस सम्मान समारोह का शुभारंभ करें श्री एस बी शर्मा साहब अध्यक्ष दिलुष्पान ओम चंद्रमा मनुष्यो जाति श्री देवानी शर्मा श्री विनोद अमन यह सबके लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच ब्राह्मण हितों की हमेशा पलटने लोकप्रिय सम्माननीय विदेशी शर्मा डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश राजस्थान की राजधानी जयपुर इस गुलाब नगरी में पढ़ाए हैं विप्रभाव किया है एक संक्षिप्त परिचय में निवेदन करूं आपके लिए दिनेश जी उत्तर प्रदेश की राजस्थान महापौर रहे हर पंचे के साथ ताली बजती रहती है ऐसा मेरा आग्रह है गुजरात के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप हैं आप अपनी अनवरत जीत का श्रेय लगातार अपनी घटाई जनता पार्टी के प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आप सभी बने हैं लखनऊ के ऐतिहासिक एस बार रामलीला समिति से आप जुड़े रहे बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है उसको वापस से ऊंचा उठाया है और परीक्षाओं में नजर आपने आज पूरी तरह रोक लगा दिया और खुशी की बात यह है कि राजस्थान से आपका विशेष लगाव रहा है जब भी आपको समय मिलता है फुर्सत के कुछ घंटे मिलते हैं श्याम बाबा के दर्शन करने आप जरूर पधारें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने अंतिम भाषण आपके लिए दिया 2006 अटल जी का अंतिम भाषण आपके लिए था पूरी तरह से धार्मिक प्रवृत्ति और बहुत इसमें बहुत ही संपूर्ण समझदारी है कैमरा सम्मानित पदाधिकारीगण हालांकि जो नाम लिया है मैंने सब महान लोगों का नाम लिया है जिनका नाम नहीं लिया है वो अति महान लोग हैं
अब सब बड़ी कम नोटिस में आप यहाँ पर आए, मेरे बाबा के पिताजी आज से कई वर्षों पहले, मैं कहूँ कि 100 वर्ष पहले लगभग हमारे पुरखे यही रहते थे। और आप जान लेंगे जागवास के पास भी एक बहरोड के पास में एक गांव था, उसी में हमारे पूर्वज रहते थे। समय के बाद हमारे पूर्वज उत्तर प्रदेश आए, वो रहे, लेकिन राजस्थान की जो बात है वो मैंने देखा कि दुनिया में तमाम जगह मुझे जाने का अवसर मिला। एक प्रोफेसर के नाते मैंने कई देशों में मेरे लेक्चर हुए और एक पॉलिटिशियन के रूप में भी, मिनिस्टर के रूप में भी बना, मुझे जगह जगह जाने का अवसर मिला है। लेकिन जो प्रेम व्यवहार अपनत्व और अपनत्व के साथ साथ खान पान और ईश्वर के प्रति आस्था जो राजस्थान में है वो नहीं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, हम लोग मुख्यमंत्री के सम्मेलन में मिले और मैं अपनी बधाई देना चाहता कि जब वो मुख्यमंत्री सम्मेलन में मिले थे तो मैंने उनको देव स्थानों के बारे में, खाटू श्याम जी हम लोग के इष्ट देव हैं, भगवान थालासर की जो मान्यता है वो पूरे भारतवर्ष में है लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर से है, तो हमने उन दोनों स्थानों का उनसे आग्रह किया था कि इसका जीर्णोद्धार हो, एक अविस्थापना संबंधी सुविधाएं वहां पर बढ़े। तो मैं उनको साधुवाद इसलिए दे रहा हूँ कि माननीय मंत्री अरुण जी मौजूद हैं, सम्मानित विधायकगण मौजूद हैं और देवस्थान के जो अध्यक्ष हैं तो वो तो स्वयं साथ में थे मेरे पिछली बार जब मैं आया, और अब की जब आया तो मुझे पता चल रहा है कई मतलब 100 करोड़ के आसपास 600 करोड़ दिया है। तो पहली बार तो मैं उत्तर प्रदेश की ओर से अपनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती विजय राजे श्रीमती वसुंधरा राजे जी को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इतना धार्मिक कृत्यों को करने वाले पटपुतले और कई जगह पर बीच में लगभग 8 से 9 कार्यक्रम हैं और शाम रात को खाटू श्याम जी हम जाएंगे। खाटू श्याम जी हम लोग के इष्टदेव हैं और राजस्थान में जब भी हम आते हैं तो मुझे खुशी है कि यहाँ पर तमाम जो संगठन हैं, हालांकि जो संगठन हैं जो सामाजिक काम कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों के बीच में काम कर रहे हैं, वो अलग अलग संगठन यहाँ पर मिलते हैं। आज अचानक ही कार्यक्रम बना तो विप्रो फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। अभी एक बड़ा कार्यक्रम कोटपुतली में और बीच में रास्ते में कई कार्यक्रम हैं। ये बात सही है कि राजस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ चढ़कर विकास के कार्य किए हैं, अलग अलग जातियों के लिए, संगठनों के लिए, समाजों के लिए भी और देवस्थानों के लिए खासतौर से। ये राजस्थान सरकार का जो कार्य है वो सराहनीय है। मुझे आज खुशी है ये कहने में भी कि पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध किया था कि जो खाटू श्याम जी का धाम है और जो सालासर हनुमान जी का जो स्थान है वहाँ पर विकास कार्य होने चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे अभी इसकी सूचना मिली है कि काफ़ी बड़ी राशि कई करोड़ की दोनों स्थानों के लिए स्वीकृत हो चुकी है और परशुराम जी के ली के नाम से भी एक स्थान को आरक्षित किया गया है विकास के लिए। तो ये कई काम ऐसे हैं जो सरकार ने किया है। आज यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और ये देखकर मुझे अच्छा लगा है कि विकास को सबने पसंद किया है और मोदी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़े इसकी चाहत सब में दिखाई पड़ी है। तो मेरा संक्षिप्त सा प्रवास है 2 दिनों का और 2 दिनों में कई कार्यक्रम यहाँ पर मुझे करने हैं। वास्तव में
राजस्थान की जो हमारे पूर्वजों की धरती है राजस्थान, और हम लोग काफ़ी समय पहले हमारे बाबा के पिताजी यहाँ से गए थे, तो आज भी अपनत्व का भाव यहाँ पर लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है कि अपराधों को नियंत्रित करने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा परिवर्तित हमने कर दिया है, और नकलविहीन परीक्षा 70 लाख लोगों की थी उसको संपादित किया है हमने, तो एक हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है।